जो पाकिस्तान में में जो उसके बारे बात कर लेते yes. hmm. तो जी गैरी ने <laughs> तीन -तीन ग्रुप्स बने हुए hmm. जिसके चलते हम खेल भी नहीं पाए और मैंने कभी जिंदगी में ऐसी कोच नहीं करी जहां पे प्लेयर्स आपस में बात ही नहीं कर रहे नो यूनिटी इन पाकिस्तान टीम they they call it it a a team but it isn't a team but isn't aren't supporting each other everyone is separated left and right I've worked with many दे कॉल इट अ टीम बट इट इज इंट ne bol diya bhaiya maine भैया मैंने कभी nahi नहीं देखी pe ye ये उससे बात नहीं कर रहा वो उससे बात नहीं कर रहा ये टीम का हिस्सा नहीं है वो टीम का हिस्सा नहीं है मिलजुल के टीम है ही नहीं यूनिटी ही नहीं है hmm. तो हमें कोई सरप्राइजिंग बात नहीं लग रही गैरी जी इसमें बिकॉज ये तो hmm. हमें पहले से ही पता था hmm. कि यूनिटी तो इस टीम का दूर दूर तक कोई नाता नहीं है यूनिटी के साथ और जिस तरीके से बाबर आजम ने वापिस चोरी से कप्तानी ली एक तरीके से बोलूंगा स्कीमिंग प्लॉटिंग से कप्तानी वापस ली शाह को बाहर करा उसके बाद शाहीन का ग्रुप अलग है बाबर का ग्रुप अलग है और मेरे ख्याल ग्यारी का ग्रुप अलग था बेचारे अकेले बैठे रहते थे।, <laughs> थे बात कर रहे अपने आप आपसे कहां फंस गया मैं आके हिंदुस्तान के बाद सीधा पाकिस्तान मैंने किस मनूज खड़ी में डिसीजन लिया था आ जाइए वापस फुल स्क्रीन पे तो इंटरेस्टिंग ये नहीं है कि इसमें जो है यूनिटी नहीं है इंटरेस्टिंग है कि गैरी कर्सन ने खुले में आके बोला ये बात अगर उनके कोर्ट ये आ रहे हैं तो ये तो हमें सबको पता था लेकिन ऑफिशियली इसको बात को आके बोल देना ऑन रिकॉर्ड भाई ये हिम्मत चाहिए इसके लिए गैरिकस्तन आगे कंटिन्यू करते हैं अगर पाकिस्तान क्रिकेट के साथ तो फिर प्लेयर्स के साथ भी उनको बात करनी पड़ेगी भाई जोन से प्लेयर यूनिटी के साथ रहेंगे उनको रखेंगे नहीं तो बाहर निकालेंगे एंड यार देखो मैं तो सिंपल बात यही कर रहा हूं कि ये जिम्मेदारी सारी बाबर आजम को ही लेनी पड़ेगी आप जब जीत के आए थे इंडिया से वन फॉर नो लॉ सारी आपकी ताजपोशी हुई है ना आप उसके बाद बाइस का भी वर्ल्ड कप खेले फाइनल पहुंच गए तुक्के से आप एशिया कप टी ट्वेंटी के फाइनल पहुंच गए जीते आप कुछ भी नहीं लेकिन आपकी बाहर हुई हालांकि आपने कभी भी रन नहीं बनाए कभी भी ढंग से रन नहीं बनाए इन्होंने जब कप्तानी छोड़ी थी तब न्यूजीलैंड में पहली बार इसके रन बन रहे थे बाबर आजम के बट बाबर आजम को ही पूरी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी भाई कप्तान आप ही थे अब जो भी ये इल्जाम लग रहे हैं आपकी ड्यूटी थी कि टीम को इकट्ठा रखे और रन भी बनाए और अच्छी परफॉर्मेंस भी आए ना परफॉर्मेंस आई टीम में फूट पड़ गई और कप्तानी तो आपकी वैसे ही भाई याद हुई तो आई थिंक कल भी बोल रहा था आज भी बोलूंगा कि भैया बिगेस्ट फ्रॉड इन पाकिस्तान क्रिकेट आई सीन या इंटरनेशनल क्रिकेट इज बाबर आजम टेस्ट मैच खेला नहीं जाता ओडीआई में रन नहीं बने इनके hmm. और टी ट्वेंटी में तो ये प्लेयर ही नहीं है टी ट्वेंटी में तो ये ड्रॉप बनता है भाई बाबर आजम बाबर आजम अगर टी ट्वेंटी में कप्तान ना हो क्या उसकी जगह बनेगी टीम में वो अभी एज अ कैप्टन खेल रहा है जो हम कैप्टनसी कोटा की बात करते थे जो आपने एक दो बार रोहित शर्मा के लिए बोला है भाई सबसे बड़ा कैप्टनसी कोटा तो बाबर आजम है बाबर आजम अगर कप्तान ना हो बाबर आजम की टीम में जगह ना बने पाकिस्तान में यह हाल है उसके टी ट्वेंटी में वो वनडे का टेस्ट मैच खेलता है।, स्ट्राइक उसकी है, नहीं। टीम को वो है।, है क्या बाबर आजम में कैप्टनसी कोटा बेकार बिल्कुल बिल्कुल ही बेकार प्लेयर है टी ट्वेंटी का स्ट्राइक रेट बिल्कुल ही खत्म है उसकी वो टी ट्वेंटी खेल ही नहीं सकता अगर वो कप्तान ना हो तो पहले उसको गेम खिला के देखो भाई इसकी परफॉर्मेंस आ रही है और मेरे ख्याल से तो अगर जैसे ये बाहर होगा कप्तानी से टी ट्वेंटी से बाहर है बाबर नहीं यार ये देखो ना बट एक चीज है इसमें जैसे कि आपने बोला कि अगर कप्तान ना हो फिर इससे देखो किसी परफॉर्मेंस आ रही है कि नहीं आ रही है कप्तान नहीं थे तो न्यूजीलैंड में तो ठोक दिया खिला के देखो पहले आप देखो न्यूजीलैंड के अंदर तो वो बैटिंग पिचेस थी हाई स्कोरिंग मैचेस दिख रहे थे आपको न्यूजीलैंड आप देख रहे थे हर मैच में 200 सौ ढाई सौ ऐसे रन मार रहे थे तो पहले आप कोई बड़े टूर्नामेंट में एज अ प्योर बैटर खिला के देखो क्या आप तीन पे खिलाओगे क्या आप चार पे खिलाओगे इसकी तीन पे जगह फिक्स कर दो चलो ठीक हाँ। है फिर आप पूरा टूर्नामेंट देखो कैसा कर रहा है किसी बड़े टूर्नामेंट में भैया ना एशिया कप में मारा इसने ना ओडिया वर्ल्ड कप में मारा ना टी ट्वेंटी वर्ल्ड कप में रन मारे कोई बड़ा टूर्नामेंट तो जिता दे कुछ तो कर ले और टॉप साइड्स के अगेंस्ट एज अ बैटर, अगर मुझे मतलब मैंने जितना देखा है करियर बाबर आजम का शुरुआत से लेकर अब तक दो हजार पंद्रह से खेल रहा है शुरुआत में अहमद शहजाद जो गुस्सा भी हो रहे हैं उनसे वो इसी वजह से कि जब उनके उनका डाउनफॉल आया था वो बाहर हो गए और बाबर टीम में आ गया क्यों आया रीजन भी नहीं परफॉर्म कर रहा था लगातार ऐसा बैटर और उस टाइम पे उन्नीस का वर्ल्ड कप जब वो इंग्लैंड गए थे खेलने के लिए तो बाबर ने वहां पे अच्छे खासे रन बना दिया था बैटर खेल रहा था, था उस टाइम तो पे सौ मारा था और सौ मारा था इंग्लैंड के सौ मारा था एक दो ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट भी अच्छी इनिंग्स आई थी और लगातार लगातार कंसिस्टेंटली रन बना रहे तभी तो इतना नाम भी हुआ कि यार बाबर लगातार रन कर रहा है क्वालिटी ये जब से कप्तानी ली है तब से बात डाउनफॉल आया है इसके करियर में मैं तो अभी भी बोलता हूँ मैच जिताने की जगह ना कप्तानी संभालने में ये कप्तानी कप्तानी ही संभालता रहा कि कप्तानी समझ जाए मेरी कप्तानी समझ जाए और उसी में बर्बाद कर दिया इसने पाकिस्तान क्रिकेट को बर्बाद कर अपने तो स्टैट्स बना लिया ना इसने बन गया अपने तो टुक टुक करके पचास बनाता रहता बनाता रहता नंबर वन बैटर हो गया जी सबसे ज्यादा रन हो गए जी जिम्बाब को मार दिया इथोपिया को मार दिया रवांडा को मार दिया युगांडा को मार दिया मार्स को मार दिया प्लूटो को मार दिया चांद को मार दिया यही करता रहता है सारी छोटी टीम को पकड़ के उसके अगेंस्ट रन बना लेता है और उसके बाद दिखाता है ऐसा की मेरे तो रिकॉर्ड ठीक है पाकिस्तान गया भाड़ में यही करा है इसने कप्तानी के चक्कर में इसने पाकिस्तान को हरवाया है इसने सोचा प, प, कप्तानी पकड़ के रखूंगा मैं पचास पचास अपने करते रहूंगा अपने रन बनाता है न्यूजीलैंड में जब टीम को नहीं जिताता है हमने क्या बात करी थी कि बाबर एज अ बैटर अगर खेले इस बारेगा रन बनाएगा रन डेफिनेटली बनाएगा बट उसने कप्तानी कप्तानी कर ली का बाबर आजम के यही बेवकूफी है बाबर के लिए पता क्या हुआ है होता ना रिटर्न हुआ है यहाँ पे इसने शाइन के खिलाफ करा जो करना था इसने उसने बेचारे ने एक सीरीज में करी थी कप्तानी इन्होंने छीन ली वहां पे याद है आपको कि नकवी साहब की और बाबर आजम की साथ में इमेजेस आई थी जब वहां पे पता नहीं क्या कॉन्ट्रैक्ट साइन हो रहा है शायद मेरे ख्याल कप्तानी वापस देने को ही तो कॉन्ट्रैक्ट साइन हो रहे थे इमेजेस भी आई थी अब उसके अंदर बाबर ने कप्तानी वापस ली या तो गैरत नहीं है भाई आपने कप्तानी छोड़ दी तो आपने वापस ली क्यों या तो कोई टर्म्स एंड कंडीशन है आपको कोई श्योरिटी मिली आपको कोई पीछे से बैकिंग मिल रही है सुपर पावर की कि आपको पता है कि मैं कितने बर्बाद कर लू मुझे तो नहीं हटाया जाएगा मैं तो जिस मर्जी मर्जी को को खिलाना उस खिलाऊंगा बाबर आजम सिर्फ एज बैटर नहीं उसकी डिसीजन मेकिंग भी खराब है उसकी कप्तानी भी खराब है और टी में वो प्लेयर भी खराब है तो वही वाली बात है कि भैया आप किसी के खिलाफ अगर पूरी प्लानिंग प्लॉटिंग करोगे ना अब शाहिंग की तो परफॉर्मेंस आ गई इसकी परफॉर्मेंस का है इसकी नहीं आई तो वही वाली बात है आप याद करो शाहीन जब कप्तान बनाया था शाहीन की अरे शाहीन जीता चुका है न्यूजीलैंड सीरीज जब थी सुशांत भाई जब शाहीन कप्तान था जो सीरीज हारे चारे से वहां पे शाहीन की विट्टे नहीं निकल रही थी ना बेस आ रही थी वहां पे क्या हुआ था कि शाहीन के पास कप्तानी चली गई थी अच्छा शाहीन के हाथ से जैसी कप्तानी गई अब बाबर आजम की परफॉर्मेंस चली गई तो जो कप्तान बन रहा है इनके यहां पे उसकी परफॉर्मेंस जारी है बात है, पता नहीं क्या आप खिलाओ देख लो रन आ रहे नहीं आ रहे नहीं आते हैं तो ज्यादा टाइम ना लगाओ क्योंकि भाई इतने सालों से रन नहीं आए इतने आईसीसी टूर्नामेंट्स निकल गया एक भी बड़े मैच बाबर आजम के रन नहीं है आजकल एक स्टैट देख रहा था कि जी बाबर आजम ने ट्वेंटी वर्ल्ड कप इतिहास में, पा, रन, तो में, में बाबर आजम ने रन बनाया जिस मैच में शायद कोई रिलवेंस ना हो या फिर इंपॉर्टेंट तो गेम ना हो जहां बात आती है बाबर आजम की परफॉर्मेंस आप देख लो किसी भी मैच में चाहे वो एशिया कप हो चाहे वो टी वर्ल्ड कप हो फिफ्टी ओवर फॉर्मेट 2023 का पूरा बर्बाद हो गया तो कहीं ना कहीं बाबर आजम इन नॉकआउट मैचेस कभी भी एक बड़ा बैटर नहीं रहा है बड़े बैटर आपका नाम से होने से थोड़ी होता है आप काम करके दिखाओगे परफॉर्मेंस करके दिखाओगे वहां पे तब आप बड़े बैटर कहलाओगे वरना तो ऐसे कई नाम घूम रहे हैं सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और लाइक जरूर कर लीजिएगा वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा बाबर आजम ने जो पाकिस्तान को बर्बाद करा उस पर तो बात करते ही रहेंगे साथ में इनकी ये जो शॉपिंग वाली खबरें शॉपिंग वाली पहले खबरें आई थी अब आइए वेकेशन पे जा रहे हैं लोग मेरे ख्याल जब तक ये वापस जाएंगे दो चीजें हो सकती है या तो ये बाबर को रख लेंगे बाकी को हटा देंगे या बाबर के साथ में सबको हटा देंगे बाबर इफ्तिकार शादाब ये तीनों तो जाएंगे जाएंगे हाँ, है ना

सीरीज का कैप्टन हैव यू एवर हर्ड अबाउट टेंप्ररी कैप्टन शाहीन इज अ टेंप्ररी कैप्टन वो बना आपका उसको आपका हटा दिया उसरी उसके अलग कैंप बन चुके हैं बाबर आजम का तो कैंप है ही जो पर्ची तो आप सभी को पता है और रिजवान का ये कि रिजवान का पोटेंशियल कैप्टन मुझे कप्तान क्यों नहीं बनाया नहीं। ये सिर्फ दिखावे की दोस्ती आ रही है कल जाके वहां पे रिजवान बाबर को झप्पी पा रहा है ये झपिया सब दिखाने की है यार वो तो आप अंदर से तो कुछ है ही नहीं सब अंदर से एक दूसरे से जलते है ये क्यों मेरे से आगे निकल रहा है वो क्यों मेरे से आगे क्यों निकल रहा है फकर जमान ने आज तक ओपन क्यों नहीं किया जलता बाबर आजम

इज इट्स अ नो ब्रेनर की फकर जमान जैसे प्लेयर से आपको ओपन कराना चाहिए उसकी पोजिशन चेंज कर करके उसको बर्बाद कर दिया एक बार ऊपर खिलाओ अब आप देखो ऋषभ पंत को हमने तीन पे फिक्स करा दो मैच ही हुए हैं तीन मैच ही हुए हैं तीनों में परफॉर्मेंस है तो आप अगर एक प्लेयर को अशोरिटी दोगे कि भाई आपकी ये पोजिशन है ये पे खेलो कभी वो चार पे पांच पे तीन पे हर जगह खिला लिया उसको ओपनिंग में हर जगह फकर जमान को खिला चुके हैं अपनी पोजीशन नहीं हटा रहा बाबर आजम अपने आप नंबर वन किया मतलब मैं ओपन करूंगा क्यों करेगा भाई तू ओपन ओपन करने लायक है पावर प्ले में तेरे से छक्का नहीं लगता बाबर आजम से सारा छक्के शाहिन शाह आफरीदी मार चुका टी ट्वेंटी क्रिकेट में इस वर्ल्ड कप में ये ये हाल है उसके तो जब आपसे छक्का लगता नहीं आपसे छिका लगता नहीं ग्राउंड के बाहर आपसे बॉल नहीं जाती बातें आप बड़बड़ के करते हैं तो बाबर, बा, बाबर बाबर शुड बी ड्रॉप 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 रिजवान को को भी भी करो जिनके ऊपर गाज गिर सकते पांच छह प्लेयर्स इनके चेंज होंगे आप देखना यहा सलमान वगैरह आएंगे वापस से फिर नवाज वगैरह वापस आएगा और मुझे लगता है कोई नया कप्तान या तो फिर शाहन शाह अफरीदी वापस से जब बाबर आजम ना हो टीम में तभी शायद कप्तानी ले वरना मुझे लगता कि अगर है टीम में कप्तानी नहीं कप्तानी नहीं लेगा तो ली ही नहीं है तब तक मुझे लगता है इनमें से कोई कप्तानी करने को तैयार भी हो नहीं नहीं बाबर तो कोई पता नहीं बाबा को अगर कप्तानी मिलेगी ना भाई पाकिस्तान के अंदर ना लोग पावर के इतने ज्यादा पाकिस्तान में क्या हर जगह बाबर खेलेगा हर जगह हर इंसान को पावर चाहिए जब बाबर ने ले ली वापस कप्तानी तो शाहीन शाह नए लड़के को बना दो बच्चे को बना दो सिक्योर करे और सबको साथ में लेके चले सबका साथ सबका विकास लेकिन इनका है की सबका साथ सबका सर्वनाश सबका सर्वनाश ही करते हैं बाबर हटाओ पाकिस्तान बचाओ यही है वो तो बाबरानी वो बाबर कह रहा है पाकिस्तान हटाओ बाबर बचाओ बाबर की तो यही फिलोसफी है ना पाकिस्तान हटाओ बाबर बचाओ पाकिस्तान <laughs> जाए भाड़ में मेरा स्कोर बनना चाहिए कप्तानी कौन करेगा नवाज नवाज तो नहीं करेगा लेकिन हाँ किसी को नए बच्चे को दे देखा नया बच्चा है जमान नहीं वैसे कोई नए बच्चे को अब कप्तानी दो फ्यूचर की तरफ देखो उसको कप्तानी दो और टीम ऐसी बनाओ कि हेल्दी मिक्स ऑफ एक्सपीरियंस एंड एंडस्टर्स और ये जो फिटे मुंह वाले सारे के सारे इनको सबको बाहर करो इतना सोच विचार करेंगे वैसे आपको लगता मुझे है। लगता, लगता है कि अब एक अभी भी नहीं करेंगे सोच विचार तो इनको खेलना छोड़ना पड़ जाएगा भाई इनके आ गए आज की डेट में यूएसए से हार रहे पी एन जी वगैरह इनको मारने लग जाएगी पिछली बार जिम्बाबे से हार गए थे ये अफगानिस्तान से ओडिया वर्ल्ड कप में हार गया बचा क्या इनके लिए अगर अभी भी नहीं सोचेंगे ये बासत अली वगैरह रोने लग गए ना ऑन एयर लाइफ मेरे को मेरे मैंने फोन पे बात करी थी मेरे को बोल रहे थे मैं चैलेंज करता हूँ सुशांत मेहता को कि अपने शो शोबे बोला था इन्होंने मैं चैलेंज करता हूँ सुशांत मेहता को

आप तो हमारे बड़े हैं आपसे सीखने को कुछ मिलेगा आ जाइए शो पे तो स्पोर्ट्स पे गायब हो गए अगले दिन से गायब हो गए नहीं। नहीं। मैंने बोला कि आ जाइएगा स्पोर्ट्स पे और वन टू वन डिबेट कर लेंगे बड़े तमीज से करूंगा देग आप अपने तो पॉइंट्स बोल लीजिएगा बाबर के लिए प्रो बाबर मैं अगेंस्ट बाबर बोल लूंगा क्योंकि वो ग्रेट प्लेयर नहीं है अगले दिन से गायब और सारी जगह जा रहे हैं सारी जगह बैठ रहे हैं मैंने बोला चलो कोई बात नहीं हमसे नाराजगी होगी या हमारी बात थोड़ी सी कड़वी लगती होगी आज की डेट में ऑनर बैठ के रो रहे हैं आज की डेट में खुद कह रहे हैं ये बातें जो हम कहते थे कर ना सब उसको। हर तरफ हो रहा है। आपको जब पहले समझाया था आपके तरफ ही बात थी भाई अपना पाकिस्तान तो हीरो बना रहे थे बड़ा अच्छा बैटर है जी ये है जी वो क्या बैटर है भाई वो कब रन रन कब बनाता है वो किस बात का बैटर है वो मैं तो तरस गया उसके रन देखने के लिए रन तो बना ले कभी फ्री फंड बैटर बना हुआ है तो अब मेरे को भी अच्छा नहीं लगा देखो बुजुर्ग है रो रहे हैं बेचारे बैठ के ऑन एयर लेकिन अपने पैरों पे खुद ही कुल्हाड़ी मारी है ना ऐसे प्लेयर्स को बैक कर करके बिल्कुल इनके लिए लड़के लड़ अब बेचारे तो रो रोले बैठे तो नहीं चाहिए मतलब थोड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल नहीं मैं लेकिन सलमान बट भी जब इंडिया के अगेंस्ट खेलते थे भाई वो बाबर मारा वो उसने। बहुत मारता था, था रन और बहुत ज्यादा टेक्निकल सलमान बट तो इनका कप्तान था देखो वो तो फिक्सिंग वगैरह में चला गया लंबा चला गया अदरवाइज अच्छा बैटर था वो सलमान बट की भी क्रिकेट की नॉलेज अच्छी बो है उसकी सेंस क्रिकेट की बहुत अच्छी है आ, लेकिन इन्होंने देखो जैसे आमिर को वापस एम्ब्रेस करा उसको नहीं लिया इन्होंने जब वहाव रियाज उसको लेके आया था, था सिलेक्शन में लेके आया था तो उसको नहीं लिया यार देखो कप्तान था आपने एक को माफ कर दिया आपने दो को फिर दोबारा देखा नहीं कभी कब तक जिंदगी में अब गलती हो गई जेल हो गई सजा हो गई सब कुछ हो गया अब वो एज अगर आपको नेशन को सर्व कर सकता है जैसे आमिर को इन्होंने वापस लिया चैंपियंस ट्रॉफी जिताई ना उसने फायदा हुआ ना फायदा ही हुआ। तो अगर कोई अपना प्राश्चित करके वापस आके और तो किसी कैपेसिटी अब ये तो नहीं है कि उसको जीने का हक नहीं नहीं तो मार दो उसको भाई सही बात है मारी ही दो ना फिर उसको अगर वो सोसाइटी में है उसकी रोजी-रोटी है हुँ, हुँ। अगर तुम तो उसको एज अ सिलेक्टर कर रहे हो अब इतने साल हो गए और आमिर तब खेल रहा है तो ठीक है अब वो उनकी कॉल है